हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। हमारी सीरीज चल रही थी आर ओ ए आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उन्हें पहले मैपिंग करवा दी जाए। तो हम आज की क्लास में मैपिंग से यानी वर्ल्ड मैप से संबंधित जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं महाद्वीप और महासागर। तो अगर महाद्वीप की बात करें तो टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो टोटल 7 महाद्वीप है जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जो नीले रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है यानी यहाँ पे क्या है, पानी, और इनको हम क्या कहते हैं, महासागर। ये अलग अलग महासागर हैं जिन्हें हम आगे कंप्लीट करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं महाद्वीप की। तो कौन कौन से महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे अब आप इस साइड आ जाइए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। उसके बाद छठे नंबर पर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये कितने महाद्वीप हो गए, टोटल 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम इन्हें देखें तो सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया अच्छे से आपको? अब आप एक बार मेरे साथ देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात हो गई क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं, तो सबसे अधिक नंबर वन पे कौन है, एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या भी कहाँ पे है, आपने देखा होगा कि चाइना और भारत, सबसे अधिक जनसंख्या वाले दोनों देश कहाँ पे है, एशिया में। उसके बाद अफ्रीका, अब चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे कौन था, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कौन आ जाएगा, यूरोप। तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा देश तीसरे, कौन सा महाद्वीप तीसरे नंबर पे होगा, तो वो होगा यूरोप, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, यूरोप में। अब वैसे ही आगे चौथे नंबर पर कौन है, उत्तरी अमेरिका, पाँचवें पर कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। अब फिर चेंज हो जाएगा, अब नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका। तो कॉमन सेंस से आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या ज़्यादा होगी या अंटार्कटिका की, तो कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है कहाँ की हो जाएगी, छठे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, बर्फ है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। ये तो हो गया जनसंख्या के हिसाब से, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए आगे देख लेते हैं, हमने क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से महाद्वीप देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं महासागर की। एक होते हैं सागर और एक होते हैं महासागर। सागर जैसे कि आप देखेंगे ये क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर। लेकिन महासागर बड़े विस्तृत रूप में होते हैं महासागर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रशांत महासागर। तो इन महासागर को हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर मैं महासागर की बड़े की बात करूँ तो बड़ा किस रूप में, क्षेत्रफल के यानी एरिया के रूप में बड़ा, गहराई में बड़ा कौन सा है, तो दोनों तरह से हम देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं महासागर। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। और आपको इस साइड भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो दोनों तरफ आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है, तो ये दो जगह क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि धरती गोल है। अब स्पेस को हमने ऐसे खोल लिया है, लेकिन जब आप ऐसे इसको गोल करेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी ये दोनों एक साथ ही है। जब हमने स्पेस को खोल लिया है, पढ़ने के लिए हम इसको आसान बनाने के लिए इस तरह पढ़ते हैं, बाकी धरती क्या है, गोल है, तो ये दोनों एक साथ टच हो जाएंगे।
इसको हम बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये प्रशांत महासागर है। दूसरा ये देख लीजिए, ये एस आकार का, ये क्या है? अटलांटिक ओशन। और ये वाला हो जाएगा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। एक यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, दक्षिणी महासागर साउथर्न ओशन। और उसके बाद एक ऊपर का एरिया आर्कटिक ओशन। तो कितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं? तो टोटल 5 महासागर हैं। महाद्वीप 7 हैं और महासागर कितने हैं? 5। तो एरिया के वाइज से हम देख लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़े अगर महासागर की मैं बात करूं, चाहे वो एरिया वाइज है चाहे वो गहराई से है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा नंबर 1 पे प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे कौन सा होगा? दक्षिणी महासागर। और पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। दूसरा हो जाएगा अटलांटिक, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर, चौथा आपका दक्षिणी महासागर और पांचवा आपका आर्कटिक महासागर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा तटीय रेखा को टच करती है। जैसे हम प्रशांत महासागर की बात करें तो इसकी तटीय रेखा कहाँ कहाँ से टच करती है? इधर से भी करती है और इस साइड से। तो सबसे ज़्यादा तटों को कौन सी रेखा टच कर रही है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टच कौन से महासागर की सीमा तट को टच कर रही है? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिक महासागर, तीसरे पे आ जाएगा हिंद महासागर। चेंज कहाँ पे होगा? चेंज अब हो जाएगा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? दक्षिणी महासागर। लेकिन अगर हम बात करें कि तटों को सबसे ज़्यादा कौन से महासागर की सीमा टच करती है, तो वो करती है आर्कटिक की। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर। और पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा दक्षिणी महासागर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? पहले पे सबसे ज़्यादा तटों को कौन से महासागर की सीमा टच कर रही है? प्रशांत की। दूसरे पे अटलांटिक की, तीसरे पे हिंद महासागर की, चौथे पे आर्कटिक की और पांचवे पे अंटार्कटिका की। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ काल्पनिक रेखाएं जो हमने मानी हुई है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं ये वास्तविक रेखाएं हैं, तो ये वास्तविक नहीं है। ये कैसी रेखाएं हैं? ये है काल्पनिक रेखाएं। ये आपको दिखाई दे रही है, एक रेखा आपको यहाँ से खींची हुई दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी है? इसको 0° भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पे, विषुवत रेखा भी इसे हम कहते हैं, इसको हम 0° भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो नाम बोला जाता है वो है भूमध्य रेखा। इसे और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है, 0° विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से इस तरह से खींची गई है, यानी इसको हमने बीचों बीच से एक रेखा जो काल्पनिक रेखा है इसको मान लिया है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत कौन से गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है? ये हमारा प्यारा भारत है और ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। 2 इंपॉर्टेंट और है, एक है 23.5°, ये वाली 23.5°, ये भारत से निकलती है 23.5°। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इसी तरह नीचे से एक और निकलती है रेखा, कौन सी रेखा है? ये नहीं, सॉरी, ये वाली रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है 66.5°। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा। क्लियर हो गई सारी चीजें? उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, जो दक्षिणी वृत्त जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी वृत्त, क्योंकि ये वृत्त बनाती है। और ऊपर की ये रेखा है जो उत्तरी वृत्त बनाती है,
ये 23 डिग्री पे ही है, 66.5 नहीं 66.5 पे ये वाली हो जाएगी, ये है 23.5 डिग्री, जो मकर रेखा है वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी बताने में आपको। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में है, उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे 23.5 डिग्री में कौन सा है, नीचे 23.5 डिग्री में हो जाएगा मकर रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी वर्त और दक्षिणी वर्त। चलिए आगे फिर देख लेते हैं हम। अब हम इसमें आगे क्लास में ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि जो कर्क रेखा है कौन से देशों से निकलती है और मकर रेखा कौन से देशों से निकलती है। तो ये चीज़ें हम जब हम कंट्री को पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे कि कौन कौन से देशों से निकलती है। अभी हम बात कर रहे हैं कौन कौन से महाद्वीप से निकलती है। तो सबसे पहले हमने देखा था 0 डिग्री कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन कौन से महाद्वीप से निकल रही है, तो ये निकल रही है साउथ अमेरिका और अफ्रीका से, और यहाँ पे एशिया, ठीक है। तो ये निकल रही है भूमध्य रेखा। उसके बाद में आ जाता है, ये साउथ एशिया से निकल रही है, और उसके बाद कर्क रेखा, ये देख लीजिए ये है कर्क रेखा। कौन कौन से महाद्वीप से निकल रही है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और नीचे जो हमने देखी थी कौन सी रेखा थी, मकर रेखा। ये कौन कौन से महाद्वीप से निकल रही है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी रेखा है जो तीनों, कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकल रही है, तो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकल रही है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकल रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकल रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जैसे एक निकल रही है, साउथ अमेरिका से दो निकल रही है, उत्तरी अमेरिका से भी एक कर्क रेखा निकल रही है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद में आती है देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री। जो इस तरह की रेखाएं थी, यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं लेटीट्यूड, और जो इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं जो लॉन्ग है, उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ये देशांतर रेखा है बीच की एकदम से 0 डिग्री। कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, ये सीधी रेखाएं नहीं है, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, लेकिन दूसरी लाइन जब आएगी वो ऐसे आएगी आपकी, ये एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, जिसे भूमध्य रेखाएं क्या अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं थी, वो समांतर चल रही थी एक दूसरे के, लेकिन देशांतर रेखाएं किस तरह की रेखाएं हैं, जैसे एक बिंदु से निकल रही है और इस तरह से आपको ये मिलती नजर आएगी, ठीक है। तो ये है देशांतर रेखाएं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलती है, तो ये देखिए कहाँ पे मिल रही है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला बिंदु, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और कहाँ पे मिल रही है, तो ये है गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में ये दोनों मिलती है, कहाँ पे मिलती है, गिनी की खाड़ी में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गिनी की खाड़ी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है गिनी की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में। क्लियर हो गई सारी चीजें। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये यूरोप में यहाँ से जो निकल रही है 0 डिग्री, ग्रीनविच लाइन भी हम इसको बोलते हैं, लंदन से ये जो निकल रही है ग्रीनविच लाइन, क्या बोलते हैं इसको, और इसी से क्या होता है कि हमारा जो है टाइम डिसाइड होता है, जैसे ये रेखाएं हैं, और भारत से ये जो रेखा निकल रही है यहाँ से, ये कौन सी रेखा है, ये 90 डिग्री दिख रही है, लेकिन यहाँ से जो रेखा निकल रही है 82.5 डिग्री, इसी के आधार पर हम अपना टाइम जो है टाइम सेट करते हैं कि देशांतर रेखा के कौन सी रेखा के हिसाब से 82.5 डिग्री को। और जो ये अक्षांश रेखा निकल रही है भारत से, कौन सी रेखा निकल रही थी, कर्क रेखा, और ये कौन सी है, देशांतर रेखा।
तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आगे हम और भी अच्छे से कवर करेंगे। जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा ओशेनिया। अब आपने पढ़ा कि ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये क्या लिखा हुआ है ओशेनिया। तो ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये छोटे छोटे जो पिंक कलर में ये आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन सब द्वीपों को मिला के क्या बनता है ऑस्ट्रेलिया, और इन द्वीपों को मिला के इसको क्या बोला जाता है ओशेनिया। क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया और ये छोटे छोटे जो द्वीप आपको दिख रहे हैं इनको मिला के हम क्या बोलते हैं ओशेनिया। जैसे यूरोप और ये जो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को दोनों को अलग करता है, और जो एशिया और यूरोप दोनों में जो ये वाला हिस्सा आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेशिया। अब कई बच्चे पहली बार नाम सुनते हैं कि यूरेशिया, तो ये तो हमने सुना ही नहीं है ये क्या है। तो एशिया और यूरोप का कुछ भाग है जिसे मिला के हम क्या बोलते हैं यूरेशिया हम बोलते हैं। जैसे ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के कुछ जो द्वीप हैं उनको मिला के क्या बोला जाता है ओशेनिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा, जैसे ये कनाडा है और यहाँ पे है अमेरिका और नीचे मेक्सिको, ये कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको है, लेकिन यहाँ पे ये अलग ही हिस्सा आपको दिखाई देगा। ये भी अमेरिका का, यूएसए का ये हिस्सा है, और ये जो यूएसए का हिस्सा है ये कहाँ से अलग क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पता है कौन सा है, ये रसिया है, और या रसिया है और ये यहाँ पे यूएसए, तो ये पहले रसिया का भाग था जिसे बाद में अमेरिका ने खरीदा है। तो यहाँ पे एक ना इन दोनों के बीच में एक संधि है जिसे बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ये भी आपको बाकी की जितनी भी जल संधियाँ हैं वो सारी हम क्या आगे जल संधि वाला पार्ट होगा उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी थी मेरे को, क्योंकि ये जो कई बार है ना बच्चों को अलग सा दिखता है कि बीच में यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ये पानी वाला एरिया है, इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, और यहाँ पे जैसे कल बच्चे का एक कॉमेंट आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे अमेरिका और इतना भाग अलग से अमेरिका का है, तो ये रसिया से खरीदा गया है, ठीक है। और यहाँ बीच में जो जल है उसे ही बोलते हैं बेरिंग जल संधि। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक जो आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे ये कौन सी है, गल्फ ऑफ गिनी, जहाँ से दोनों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। और भारत में जो देशांतर रेखा है कौन सी देशांतर रेखा है जिसके आधार पर हम टाइम को जो है सेट करते हैं, वो है 82 डिग्री देशांतर रेखा। और कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, तो वो गुजरती है कर्क रेखा। और कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएँ गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका से कौन कौन सी रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और कर्क रेखा गुजरती है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ये आपको मिडल ईस्ट दिखाई दे रहा है, मिडल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है ये, मिडल ईस्ट इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये मिडल में आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये एशिया का भाग है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको मिडल ईस्ट इसको लिखा गया है। एक बार और देख लेते हैं हम अच्छे से इसको। अक्सर आपको मैप इस तरह का दिखाई देता है, मैंने वो इसलिए किया था कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि पृथ्वी गोल है और वो गोलाकार मैप मैंने आपको लिया था। तो अक्सर आपको ऐसे वाला मैप जब भी आप मार्केट से खरीदते हैं या फिर खुद से आपने बुक्स में देखा होगा, तो इसी तरह का मैप आपको लगभग दिखाई देता है। तो वो ये वही है, बस इसको समझने के लिए आपको इस तरह से बना दिया गया है, बाकी वो गोलाई में ही होता है। जैसे इसको और इस भाग को आप मिलाएंगे तो ऐसे ही गोल हो जाता है। तो ये कौन सा भाग है, एशिया का, ये अफ्रीका है, ये है उत्तरी अमेरिका। मैं इसको भी एक बार समझा देती हूँ ताकि जब आपको ऐसे वाला मैप मिले तो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे यहाँ से कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, और ऊपर हो जाएगा आपका आर्कटिक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, तो ये क्या है,
ये कोई महाद्वीप है, ये कौन सा है, ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ये अभी इस पर किसका अधिकार है, तो अभी इस पर डेनमार्क का अधिकार है, ये एक द्वीप है जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं और अभी इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, क्लियर हो गई आपकी सारी चीज़ें। ये न्यूजीलैंड ये एक देश है, ये जब हम देशों में करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी हम महाद्वीप और ये वर्ल्ड मैप की हम बात कर रहे हैं, तो महाद्वीप महासागर ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। जो भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि आगे वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैपिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम सारे कवर कर लेंगे, और बाकी की जो हमारी क्लासेज है वो भी रेगुलर चलती रहेगी। तो क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी एग्जाम से जैसे RO, ARO, UPPCS, BPSC इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे से कवर करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।